जय श्री कृष्ण राधे राधे। मैं छत पर आई थी अपने बागान, छत बागान में थोड़ा सा पानी उनी देने और थोड़ा खाद भी देने, जैसे कि ये मैं सरसों खली बना कर रखी थी, दे चुकी हूँ अब। इस बना कर रखी थी तो उसे मैं दे रही थी, तो मुझे ये पर्पल कलर का अपराजिता दिखा, इसे मैं लाई हूँ नहीं, ये खुद ब खुद ऐसी कलर में आ गए हैं। मुझे देखकर इतनी खुशी मिली है कि मुझे लगा मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, वीडियो बनाकर मैं शेयर करूँ। ये देखिए मैं छत पर तरह से देखिए, मैं इसे खोज रही थी, मैं उस घर से ला नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जाकर बीज ला दिए, तो लगाई मैं इसे, तो ये येलो कलर का हो गया है। ऐसे तो मेरे पास रानी कलर का है और एक ऑरेंज एक का है, तो दो चार ठो पौधा जैसे यहाँ पे देखिए ढेर सारे में ऑरेंज देखिए। इस तरह से मैं छत पे आई थी तो दिख गई, ये मेरे नूर का पौधा है। अब तो इस साल नहीं, अगले साल इसमें फल होएंगे, फूल फल सब होएंगे इसमें। ये देखिए थी तो एकदम छोटा सा और इतना बड़ा हुआ है। ये देखिए दो पाटी का फूल, बलसम दो पाटी दोनों नाम से ही इसे जानती हूँ। ये देखिए मैं गुलदाउदी की कटिंग, ये तो खेर का ये अभी है घास फूस, ऐसे मैं उखाड़ूंगी, उखाड़ देती हूँ इस तरह से जब भी दिखती है। तो देखिए इस तरह से निकालते रहती हूँ। ये देखिए गुलदाउदी की कटिंग लगाई हूँ जून महीने में, इतना बड़ा हो गया है, इसमें पिंचिंग भी कर चुकी हूँ। देखिए ये देखिए मिली बग भी आए हैं इसमें, इस तरह से एक दो रहते हैं तो मैं खुद ही निकाल के इस तरह से हटाते रहती हूँ। देखिए मेरे पुणे वैरायटी का जगह है। ये देखिए इसमें ये सब मुरझा गए हैं, इसको मैं इस तरह से हटा देती हूँ। ये देखिए मेरे श्याम तुलसी हैं, ये मेरे पिंक जगह हर दो ठो फूलेंगे इस तरह से। मेरे देखिए अमरूद का पौधा है, ये मेरे जामुन का पौधा है, इस तरह से मैं देखिए इस तरह, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको पीपर का पौधा है। ये देखिए मेरे पीपर के गांज में आज मुझे दो खुशी मिली है, एक देखिए मेरे इसमें पीपर भी हो रहे हैं, देखिए किस तरह से पीपर भी आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक ही तो आया मगर खुशी तो मिलेगी ना जब अपने हाथ से लगाइए, उसमें जब फल फूल फल होने लगे। तो ये देखिए मेरे शमी प्लांट है, इस तरह से इसमें भी फूल होते हैं। ये देखिए ये मेरा एक यहाँ पूजा स्थान में केला का पौधा लगाई हूँ, जल डालती हूँ। ये देखिए
ये मेरा तरुलता है, गणेश बेल के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये देखिए नीनवा का लत है, इसे मैं जमीन में बुआई की थी, आस्ते आस्ते ऊपर उठाई हूँ। इसमें लत लत हो रहा है और देखिए इसमें इस तरह से फल भी आ रहे हैं छोटी छोटी से, ज़्यादा फल नहीं आए हैं, दो चार ही आए हैं अभी। देखिए अभी छोटा ही है, देखिए यहाँ भी मैं कटिंग से गेंदा लगाई हूँ, ये पिछले साल का सब था। मेरे ड्रैगन फ्रूट है पौधा है, और जेट प्लांट का तो कहना ही नहीं है, ये पूरे घनघोर होके हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मैं किचन वेस्ट इसमें रखती हूँ, रखने के बाद इसमें मिट्टी डाल देती हूँ लास्ट में, जब ऊँचा तक हो जाता है तो। इसके बाद जब ये खाद में अति हो जाएंगे तो इसको मैं सब में डाल दूँगी। ये मेरे मधुमाली थी है, इसको रिपोर्टिंग की थी 2 दिन पहले। ये मेरे आंवला का पौधा है, बीज से लगाई हूँ, ये देखिए किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और ये मेरे आकाश का फूल है, फूल का पौधा, देखिए किस तरह से। ये मेरा बैंडरिंग जूई है, नकपनी का गाछ है, ये बड़ी चांदनी है, यहाँ भी बड़ी चांदनी है कटिंग से। और ये तो ये सब देखिए, ये तो एक जन राहर दी थी, उसमें से 2 दाना निकला था सूखा हुआ, उसमें से मैं इसे लगा दी हूँ, अब आराम से एकदम हो गया। देखिए देखिए तुलसी का पौधा है, ये देखिए ये मेरे मोर पंखी का प्लांट है, इस तरह एक इसमें देखिए इस तरह से बीज होते रहते हैं। अभी सूखे नहीं हैं, सूख जाएंगे तो इसको मैं हटा कर इसकी प्लांट बनाऊंगी। ये देखिए फलसा का पौधा है, इसको भी मैं रिपोर्टिंग दी हूँ, बड़े अति पॉट में दी हूँ, मेरी बाल्टी ख़राब हो गई थी तो इसी में डाल दी हूँ। और ये देखें पर्पल हार्ट, एक और विद्या का प्लांट मोर पंखी। और ये देखिए शरीफा का बीज से मैं इसको मैं लगाई हूँ, देखिए किस तरह से बड़ा हुए हैं। और ये देखिए ये बेबी सनरोज है, इसे मैं कटिंग से एक जगह से लाई हूँ, ये देखिए किस तरह से। फिर मैं यहीं आकर ये जो अपराजिता का पौधा है उसी पर आकर वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।